Shall I rub it? Okay, you have tides. Now you should know these locations. First quarter, new moon, full moon and last quarter. Okay, you should know these locations now. Okay, so first we will start with the definition. So tides, what I have told you yesterday, tides are nothing but the periodic rise and fall of the, na, of the ocean level. या लेवल ऑफ एनी वाटर बॉडी. किसी भी वाटर बॉडी का अगर लेवल राइज हो रहा है या लो हो रहा है, एंड इट इज़ मेनली कॉस्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एज वेल एज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन प्लस द रोटेशन ऑफ द अर्थ. बिकॉज एनी रोटेटिंग बॉडी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, दैट इज द आउटवर्ड फोर्स ना. तो चीज़ों को अपनी तरफ से बाहर फेंकने को आउटवर्ड फोर्स बोलते हैं. तो उसके वजह से भी टाइट्स होती हैं. तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है. एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक. अच्छा, क्वेश्चन पहले टाइट की डेफिनेशन लिखो. पहले टाइट्स की डेफिनेशन लिखो. टाइट्स आर 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 पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ऑफ द लेवल ऑफ of the level of water bodies. Tides are periodic rise and fall of the level of water bodies caused mainly due to gravitational pull of the moon. Second, gravitational pull of the sun, and third, rotation of the earth. अच्छा, rotation of the earth का मतलब है centrifugal force. ठीक है, we'll talk about it. Centrifugal force. ठीक है, एक होता है inward force जिसको हम centripetal force बोलते हैं, एक outward force जिसको हम centrifugal force बोलते हैं. ठीक है, it's a part of physics. और इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. अच्छा, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में ऐसा, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं आप लोग के एग्जाम्स में बेटा, ऐसा आएगा, टाइड्स आर मेनली कॉज्ड ड्यू टू. फर्स्ट नंबर वन बोलेगा आपसे ग्रेविटेशनल पुल of the sun. Second कहेगा gravitational pull of the moon. Third कहेगा rotation of the earth. Fourth ये भी कह सकता है revolution of the earth. ठीक है, और ऑप्शन ऐसे देगा आपको. पहला ऑप्शन देगा 1 and 2. बी ऑप्शन देगा 1, 2 and 4. सी ऑप्शन देगा 1, 2 and 3. डी ऑप्शन देगा ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं. तो यू शुड नो कि जो टाइड्स हैं, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ 3 factors ओनली. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, नॉट रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन का कोई रोल नहीं है. रेवोल्यूशन का मतलब है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. उसका कोई रोल नहीं है बेटा इसमें. ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी 1, 2 and 3. ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके. ठीक है, अच्छा, तो टाइड्स क्या है? दे आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ लेवल ऑफ वाटर बॉडीज कॉज्ड मेनली ड्यू टू. ठीक है, एंड बट वी हैव सीन कि अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो आपके 2 high tides आएंगे और 2 low tides आएंगे. ठीक है, इन अ डे यू विल ऑब्जर्व 2 high tides एंड 2 low tides, दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन. बट नाउ, अब जो नॉर्मल टाइड्स आती हैं, कुछ टाइड्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मल टाइड्स से हाई होती हैं, उनको हम लोग स्प्रिंग टाइड बोलते हैं. और कुछ टाइड्स हैं जो नॉर्मल टाइड से लो होती हैं और उनको हम लोग नीप टाइड बोलते हैं. एंड इट इज़ अगेन मेनली डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द मून. ठीक है, अब हम लोग 2 variety of टाइड्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये करने के बाद इवन यू कैन राइट दिस क्वेश्चन, ताकि आपको ना यू कैन गेट द आइडिया कि कैसे कैसे आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए. एंड देन वी विल स्टडी स्प्रिंग टाइड फर्स्ट. ओके, नाउ पुट द हेडिंग स्प्रिंग टाइड.
स्प्रिंग टाइट्स, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग टाइट्स को समझने के लिए अब मैं डायग्राम बनाऊंगा और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं आपको लोकेशंस भी या पोजीशंस के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। स्प्रिंग टाइट्स कब आते हैं? स्प्रिंग टाइट्स तब आते हैं, ये नॉर्मल टाइट्स से हाई टाइट्स होती हैं, नॉर्मल से भी हाई होंगी, ठीक है। एक नॉर्मल हाई होती है और एक उससे भी हाई होती है, तो जो उससे हाई टाइट होगी उसको हम लोग स्प्रिंग टाइट बोलेंगे। और ये कब आएगी? ये कब आएगी? जब सन, अर्थ और मून जब ये स्ट्रेट लाइन में होगी, जब इनकी पोजीशन स्ट्रेट लाइन में होगी, उससे क्या होगा? उससे द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन इन्हेंसेज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। अगर दो एक ही डायरेक्शन में रस्सी खींच रहे हैं तो जो जो फोर्स होगा वो और इन्हेंस हो जाएगा, हाँ। तो सिमिलरली इट हैपन्स हेयर ऑल्सो, ठीक है। तो डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। सपोज अब दो इसमें डायग्राम्स हैं, सपोज इफ दिस इज अर्थ, ओके, एंड दिस इज मून एंड दिस इज सन, सन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? We know that the gravitational pull of the moon and the sun, they are acting in the same direction. So what will happen? They will complement each other. और tides आपके ऐसी आएंगी, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा high tide दिखाई है। ठीक है, यहाँ पर भी हाई टाइड आएगी कंपैरेटिवली बिकॉज ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स, सॉरी बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ओके। तो लेकिन ये जो हाई टाइड आपको दिख रही है ये नॉर्मल हाई टाइड से ज़्यादा हाई टाइड है, ये नॉर्मल हाई टाइड से ज़्यादा हाई टाइड है। इसको हम लोग टाइडल बल्ज भी बोलते हैं। बल्ज इज नथिंग बट कि कितना लेवल राइज हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग टाइडल बल्ज भी बोलते हैं, वी कॉल इट टाइडल बल्ज, टाइडल बल्ज। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज हैपनिंग हियर? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन विच रिजल्ट्स इन हाई टाइड, नॉर्मल हाई टाइड हायर देन द नॉर्मल टाइड। सो दिस हाई टाइड इज नोन एज स्प्रिंग टाइड, दिस हाई टाइड इज नोन एज स्प्रिंग टाइड, ठीक है। तो एक और डायग्राम बनाता हूँ। सपोज इसमें अगर अर्थ इज हियर, there are two possibilities. Suppose earth is here and now moon is here. Achha, this moon is which moon? New moon, very good. This moon is new moon, so I can draw it in this way, okay. This is new moon beta, this is very important na, aapse location bhi puchta hai aur aapse puchta bhi hai kaun sa moon hai. This is your new moon, theek hai. Aur dusri possibility kya ho sakti hai? दूसरी पॉसिबिलिटी मैं यहीं पर दिखा सकता हूँ आपको, अलग डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? यहाँ पर कौन सा मून है? फुल मून है, फुल मून है, फुल मून है। तो यहाँ पर भी कैसे टाइट्स आएंगी? हाई टाइट्स आएंगी। इस एरिया में भी मैं अब आपको क्या दिखा सकता हूँ? हाई टाइट। तो एक ही डायग्राम में वो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन यू कैन आस्क मी वन क्वेश्चन नाउ, आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर तो इस सरफेस में तो ग्रेविटेशनल पुल है जो सन का, वो तो एक्ट ही नहीं करेगा, और अगर एक्ट करेगा तो फिर तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया है, तो यहाँ पर कैसे हाई टाइड आएंगी? तो इसका आंसर ये है, याद रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल है सन का वो नियरली नेग्लिजिबल है, इट इज़ नियरली नेग्लिजिबल, ओके। तो अगर ये एक्ट नहीं भी करता है ना, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज इनफ इनफ टू क्रिएट हाई टाइड। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, आप बोल सकते हो 19-20 का फर्क। यहां पर क्या हो रहा है? ठीक है, हल्का सा फोर्स है सन का, लेकिन वो भी क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मुझे। सपोज मेरे पास इनफ पावर है आपको खींचने की, अगर कोई बच्चा मुझे हेल्प करता है, कोई बच्चा मुझे हेल्प करता है तो ठीक है, और एनहेंस हो जाएगी मेरी पावर। लेकिन अगर बच्चा नहीं है तो मैं तब भी आपको खींच लूंगा। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल पुल है किसका? सन का, वो नेग्लिजिबल है नियरली। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? सन तो बहुत बड़ा है और हमने तो यही पढ़ा है फिजिक्स में कि जिसका मास जितना ज़्यादा उसकी ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स उतना ही ज़्यादा। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, डिपेंड्स ऑन टू मेन फैक्टर्स, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके ये जो हाई टाइड्स आई है, एक टाइड ये आई है, एक टाइड ये, दोनों कैसी टाइड्स है, हाई टाइड्स, हाई टाइड्स। इन हाई टाइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स। और ये दो, ये जो टाइड्स है, ये दो कैसे टाइड्स है, ये लो टाइड्स है, इनको हम नॉर्मली लो टाइड्स ही बोलेंगे, नॉर्मल लो टाइड्स है। जब नॉर्मल लो टाइड से भी लो टाइड आती है उसको हम नेप टाइड बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। तो ये कैसी टाइड्स है, ये आपकी लो टाइड्स है, दो आपने देखा हाई टाइड्स, दो आपने देखा लो टाइड्स, दिस इज टाइडल बल्ज, ठीक है, इसको हम टाइडल बल्ज भी बोलते हैं। अच्छा नाउ सी, अब सो द लोकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फुल मून अर्थ सन, न्यू मून अर्थ सन, दे आर इन द स्ट्रेट लाइन, वो मैं आपको पॉइंट लिखाऊंगा। अब आपने फिजिक्स में पढ़ाया है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है, टू द मास, आपने फॉर्मूला देखा होगा m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, r इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। इसको आप मास को आप m1 m2 भी ले सकते हो। अच्छा इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर मैं मास बढ़ाता हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, या ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है बहुत ज़्यादा है, हमें पता है। लेकिन यहाँ इस केस में बेटा एक चीज़ और देखना आपने, इस केस में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सपोज अगर अगर मैं बात करूँ अर्थ मून और सन की, तो अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है आर, इट इज मच लेसर देन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, दिस इज कैपिटल आर। तो अगर मैं थोड़ी सी भी डिस्टेंस बढ़ाऊं, थोड़ी सी भी डिस्टेंस बढ़ाऊं तो उसका स्क्वायर हो रहा है और वो डिनोमिनेटर में, तो ड्रास्टिकली ग्रेविटेशनल पुल कम हो रहा है। तो मास का इंपैक्ट तो है, ठीक है, आप कह सकते हो सन का मास बड़ा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है बेटा, और डिस्टेंस के इंपैक्ट की वजह से, और वो डिस्टेंस का भी स्क्वायर हो रहा है, और तब वो नीचे रेसिप्रोकल में, सोचो आप ग्रेविटेशनल पुल कितना रिड्यूस हो रहा है। तो कंपैरेटिवली टू मून द मास ऑफ द सन इज ह्यूज बट द डिस्टेंस इज ऑल्सो ह्यूज फ्रॉम द अर्थ, सो दैट्स वाई, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का वो नियरली नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू मून। मून का मास कम है लेकिन मून अर्थ के पास है, इसलिए मून, इसलिए अर्थ के ऊपर, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ, अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का, जो गुरुत्वाकर्षण है मून का, वो एक्ट ज्यादा करता है एज कंपेयर टू सन। इसीलिए कभी कभी ये भी ऑप्शन आ सकते हैं, कभी ये भी पूछ सकता है कि जो टाइड्स है वो मेनली किसके वजह से है, वो मेनली इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून मेनली। हाँ और फैक्टर्स भी इंक्लूडेड है फिर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रोटेशन की वजह से होता है, या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। तो जो मैंने यहाँ पर बनाया, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मून का ग्रेविटेशनल पुल ही काफ़ी है हाई टाइड बनाने के लिए। कोई शक, ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देन विल राइट वन पॉइंट। इतना स्प्रिंग टाइड्स आर हायर देन नॉर्मल हाई टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स आर हायर देन नॉर्मल हाई टाइड्स, हाई टाइड्स occur when the position of the earth moon and the sun is in the straight line due to which gravitational pull of the sun complements the gravitational pull of the moon, complements the gravitational
complements the gravitational pull of the moon. Complements the gravitational pull of the moon. Complements the gravitational pull of the moon. Okay. Write down one example. सबसे ज़्यादा high tide observed हुई है Bay of Fundy. मैंने कल बोला था आपसे इसको find करना. कहाँ Bay of Fundy? लिख लेना Bay of Fundy. Bay of Fundy. It is in Canada. Atlas में आप location देख लेना कहाँ इसकी location है Bay of Fundy की. Around 16 to 25 meters rise level देखा गया है यहाँ पर. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा high tides कहाँ observe होती हैं? यहाँ example में Bay of Fundy लिख लेना, लिख लेना high tides. High tides are observed here. High tides are observed here. High tides are observed here. ठीक है. ओके, अब है आपका नीप टाइट्स. हाँ, दैट इज समथिंग डिफरेंट बेटा. ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, दैट इज डिफरेंट केस. ठीक है, अभी हम लोग पोजीशन भी देखेंगे. हम देखेंगे कि ऑर्बिट में, जब हम देखेंगे मून का ऑर्बिट ना, जब ऑर्बिट सबसे ज़्यादा पास होगा अर्थ के, उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं पेरिगी. एंड जब ऑर्बिट सबसे ज़्यादा दूर होगा अर्थ के, उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं अपोगी. दिस टू टर्म्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और वही अर्थ और सन से रिलेटेड भी है, उसको हम लोग पेरिहिलियन और अपीहिलियन कहते हैं. डेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको इसी के बाद करा दूंगा डायग्राम बेस्ड. ठीक है, और फिर वो जो ब्लू मून वाला कंसेप्ट है जो ये पूछ रहा है, वो भी हम लोग करेंगे. ठीक है, ओके. अच्छा, अब नीप टाइड, नीप टाइड. अच्छा, नीप टाइड्स कब आएंगे? मैं अगर डायग्राम बनाऊं, अगर ये अर्थ है और अगर ये सन है, अगर ये सन है, सो नाउ आई विल मेक बोथ द पोजीशंस. अगर यहां पर होगा मून, सो क्या होगा ये? दिस विल बी फर्स्ट क्वार्टर. और अगर यहां पर होगा तो दिस विल बी लास्ट क्वार्टर. दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, दिस विल बी लास्ट क्वार्टर. ठीक है, उससे क्या होगा, यहां पर जो टाइड्स आएंगी कंपैरेटिवली. अब नाउ दिस यू हैव टू रिमेंबर बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इफ यू विल सी द डायग्राम हियर. ठीक है, द अर्थ एंड द सन एंड द मून, दे मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. दे मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो व्हाट विल हैपन हियर? The gravitational force of the sun will now counteract the gravitational pull of the moon. अब वो counter करेगा उल्टा. पहले तो वो enhance कर रहा था, अब यहाँ पर opposite force लग रहा है. आप ऐसे देख सकते हो, आप वहाँ को force लगा रहे हो, मैं यहाँ को force लगा रहा हूँ, तो हम दोनों के force क्या हो रहे हैं? Counter हो रहे हैं. तो इस केस में क्या होगा, normal से, normal low tide से और low tide आएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Neap tide. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीप टाइड. सो हियर व्हाट विल हैपन, सी. ठीक है, लाइक दिस. But you have observed here two leap neap tides. ये low tides हैं, एक low tide ये है, एक low tide ये है, और दोनों को हमने क्या कहा? Neap tide. इसको हम लोगों ने combinedly क्या कहा? Neap tides. ठीक है, draw this diagram.
So what is happening here? What is happening there? These are low tides, lower than normal low tides, because the position of the earth, moon and the sun, they are at right angle each other, due to which the gravitational pull of the sun counteract the gravitational pull of the moon. Okay? Locations are very important. See, first quarter, last quarter, these two locations are very important. If the neap tides are lower than normal low tides, neap tides are lower than normal low tides occur when the moon comma earth and the sun are right angle to one another due to which gravitational pull of the sun counteract the gravitational pull of the moon. अच्छा ठीक है, एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया नहीं है, स्प्रिंग टाइड में भी नहीं लिखवाया कि स्प्रिंग टाइड कब होता है, जब फुल मून और न्यू मून के केस में. ठीक है, तो इन अ मंथ दो बार आपकी क्या आएंगी, स्प्रिंग टाइड्स आएंगी ना. देखो ना बेटा, पूरे महीने में मैंने बताया था ना 29.5 days लगते हैं न्यू मून से फिर से न्यू मून बनने में, तो कब आएंगी, एक महीने में आप कह सकते हो कि दो बार क्या आएंगी, स्प्रिंग टाइड्स. सिमिलरली एक महीने में दो बार क्या आएंगी, ये सारे स्टेटमेंट्स आते हैं बेटा एग्जाम में, ये मैंने लिखवाया नहीं बट ये क्लियर होना चाहिए, तभी डायग्राम देख के ईजिली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जब आप जहाँ पर आपने फेजेस ऑफ मून बनाया वहाँ पर आप ऐसे बना सकते हो कि न्यू मून से न्यू मून होने में 29.5 days लगते हैं, आप ऐसे लिख लेना. ठीक है, वहाँ पर ठीक है, जहाँ पर न्यू मून है वहाँ पर 29.5 days लिख लो, न्यू मून टू न्यू मून 29.5 days. ठीक है, नीचे ये भी लिख सकते हो आप, न्यू मून 29.5 days. आप ऐसे भी लिख सकते हो कि न्यू मून 29.5 days. ठीक है, तो महीने में दो बार आपको स्प्रिंग टाइड्स देखने को मिल जाएंगी, और महीने में दो बार आपको नीप टाइड्स देखने को मिल जाएंगी. और नीप टाइड्स के वक्त कौन से दो फेजेस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर, ये पॉइंट्स मैंने लिखाए नहीं है. ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स के वक्त फुल मून एंड न्यू मून बोथ द फेसेस आर इंपॉर्टेंट, एंड नीप टाइड्स के वक्त फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर बोथ द फेसेस आर इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट क्वार्टर हो या लास्ट क्वार्टर हो, उस वक्त क्या ऑब्जर्व होंगी, लो टाइड्स, लोअर देन नॉर्मल लो टाइड्स विच आर नोन एज नीप टाइड्स, एंड इन द केस ऑफ स्प्रिंग टाइड्स द फेजेस ऑफ मून आर न्यू मून एंड फुल मून. ठीक है, और इस वक्त आपको हाई टाइड्स एक्सपीरियंसड होगी विच आर हायर देन नॉर्मल हाई टाइड्स, जिनको हम लोग स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं. अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं कल टच करूँगा आपके साथ. देर इज अ टर्म विच इज नोन एज एप टाइड, EBBTID, एप टाइड, वो भी एग्जाम में आया. एप टाइड इज नथिंग बट अ टाइम पीरियड बिटवीन अ हाई टाइड एंड अ लो टाइड. जब पानी ऊपर आता है ना, ऊपर से जब पानी धीरे धीरे फिर नीचे होता है, इस टाइम पीरियड को हम एप टाइड बोलते हैं. एक होता है फ्लो टाइड क्या है, जब नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, इस टाइम पीरियड को हम फ्लो टाइड बोलते हैं. तो नीचे वाले टाइम पीरियड को हम लोग एप टाइड बोलते हैं, और ऊपर वाले टाइम पीरियड को हम लोग फ्लो टाइड बोलते हैं. दिस टू टर्म्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा था, इफ दिस इज अर्थ, सपोज दिस इज द ऑप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट,
सॉरी नॉट ऑप्टिकल इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द मून. अच्छा एट सर्टेन पोजिशन वेन मून विल बी क्लोजर टू द अर्थ सो दिस पोजिशन इज नोन एज पेरिगी. ये मैं लिखाऊंगा आपको कल, ठीक है. और जब मून सबसे दूर होगा अर्थ के उसको हम बोलेंगे अपोगी. बेसिकली गी इज रिलेटेड टू मून. कल ये पॉइंट्स लिखाऊंगा. सेम गोज फॉर सन ऑल्सो. इफ सपोज दिस इज सन अगेन द एलिप्टिकल पाथ ऑफ द अर्थ इज सच दैट एट सर्टेन पॉइंट यू विल फाइंड अगेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन. इसको हम लोग बोलते हैं पेरी. पेरी से मतलब पास. हीलियन. हीलियन इज रिलेटेड टू सन एंड दिस इज ऑन 3rd of January. आप ये मत कहना सर 3rd of January में तो ठंडा होता है तो कैसे अर्थ सन के पास होगा. बेटा अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जनवरी में सदर्न हेमिस्फीयर में सड़ी गर्मियाँ पड़ती हैं. अगर मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन्स की बात करूँ तो जब जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन्स होते हैं तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ में तो यहाँ तो क्या होता है ठंडा. इंडिया में ठंडा होता है और ऑस्ट्रेलिया में लोग चक्कर खा के गिरते हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन्स में क्योंकि सेम टाइम सदर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसिंग समर सीजन. दैट वी हैव ऑलरेडी डन आई थिंक सो ना. वो हमने देख लिया फंडा. 3rd of January इज द डेट इन विच द अर्थ विल बी क्लोजर टू द सन एंड दैट इज नोन एज पेरिहेलियन. और एट सर्टेन टाइम विच इज 4th of July द अर्थ विल बी फार एंड दैट पॉइंट इज नोन एज अपीहेलियन. अपीहेलियन ठीक है. ये भी एग्जाम में आता है. मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा ठीक है. तो इसके साथ हमारा टाइड्स कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू ओशन करेंट्स विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है. सो एनी डाउट्स टू एनीवन दिस विल डू टुमारो बेटा ठीक है. आप टाइड हो गया फ्लो टाइड हो गया उसके अलावा पेरिगी ये जो पोजिशंस हैं पेरिगी हो गया अपगी हो गया प्लस पेरिहेलियन अपीहेलियन ये भी मैं बताऊँगा और उसके बाद वी विल कम टू ओशन करेंट्स. क्लियर. चलो.